नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के बाद अब तकी नकी बाबा का उर्स भी मनाया गया। तारागढ़ की पहाड़ी से लगी इन दोनों ही संतों की मजार पर भारी संख्या में जायरीन पहुंचे और अकीदत के चादर पेश कर उर्स की रस्म बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। इस पवित्र अवसर पर सभी खास और आम के लिए दुआएं की गई। महफिल समा का दौर भी जमकर चला, जिसमें जायरीन झूमते नजर आए। मैं दरबारे तकीने की सरकार के अंदर हूँ। बनने की तमाम की जानिब से यहाँ लंगर किया जाता है। गुरुद्वारे में ख्वाजा की तरफ से लंगर आम किया जाता है। पूरे सोलमपुर की तरफ से लंगर आम किया जाता है। काफ़ी लोग वहाँ से पकड़े लाते हैं, मन्नत के यहाँ अदा करते हैं। पड़ाव में खिचड़ा बनता है। आज नहीं, ये बरसों से चला आ रहा है। कोई तकी नकी का दरबार ऐसा कि यहाँ से जो आता खाली नहीं जाता, सबको दुआएं मिलती हैं। गन शहीदा के मजार हैं यहाँ पे। हम लोग भी सरकार का निवास गुलाम है। बरसों से हमारे बुजुर्गों ने यहाँ जितनी इमारतें बनाई हैं, गन शहीदा की डोली बनाई है, महफिल खाना बनाया है, तो यहाँ मजार शरीफ पर जितना काम कराया हमारे बुजुर्गों ने, अब्दुल हमीद साहब ने बनाया हयात मंदिर, तो हम भी यहाँ पे बरसों चले आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग चले आ रहे हैं। ये नेक काम है, सरकार का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए और सरकार का फैज हासिल करना चाहिए। तमाम जानिब से सबके लिए हम दुआ करते हैं। सबको अल्लाह तकी नकी की सरकार में सबके लोगों को पार करें, सबके मुश्किलों को आसान करें। अभी यहाँ अगर तकी नकी सरकार का शरीफ चल रहा है, जिसमें हर मजहब मिलत का आदमी शरीफ होता है। कोमलपुर के लोग हैं, नीचे और गांवों के लोग हैं, खुद्दा में ख्वाजा है, अंडरकोट के लोग हैं, तमाम लोग अपने अपनी जगह लंगर का इंतजाम करते हैं। गाँव की तरफ से खाव बनाए जाते हैं जो कदीमी जमाने से चले आ रहे हैं। तमाम आलम इस्लाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए दुआ की जाएगी, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इन शहीदों के सदके में हमारे मुल्क में अमन और सुकून अता फरमा और ये जो भला बीमारी यहाँ चल रही है उसको दफा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन शहीदों के सदके में तमाम की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शहीद काका सैयद बाबा का यहाँ उर्स के अंदर शामिल हुआ हूँ। तमाम सरकार के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोग यहाँ पे अकीदतमंद रहे जो बरसों से फेज उठा रहे हैं। और एक ऐसा आस्ताना है, यहाँ पे शेर भी यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। बहुत ही मन्नतों का दरबार है। अच्छे बंदों की यहाँ पे मन्नतें पूरी हुई है जैसे कि और होती है। यहाँ पे जो अकीदत रखते हैं, मैं कहता हूँ कि और शायद कोई ऐसी जगह इस एरिया में होगी तो इसकी चाहने वाले लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचे हैं। सोमलपुर गांव, ककलाना गांव, यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दरगाह शरीफ से भी लोग जैसे आए हुए हैं, मेरे पहले बुजुर्ग ने हजरत ने बताया पूरी जानकारी। और ऐसी जगह पे सुकून और आलम का महफिल है, जगह है, शमा है और यहाँ से लोगों ने